मॉर्निंग गाइस, तो अपनी लीनिया ने कंप्लीट कर लिया है 81,000 किलोमीटर ऑन द ऑडो। हाउएवर दिस ऑडोमीटर रीडिंग इज रॉन्ग। असल में अपनी लीनिया कर चुकी है ऑलरेडी 1,15,000 किलोमीटर कंप्लीट, और मीटर पे आप रीडिंग नहीं देख पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मेरा जो स्पीड सेंसर होता है उसका एक गियर होता है, एक वार्म गियर होता है प्लास्टिक का, जो गियर बॉक्स में अटैच होता है लीनिया के, तो दैट वेंट आउट 2 years ago। एंड एट द टाइम आई वॉज वेरी न्यू टू दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड दी मैकेनिक्स एट फीएट टोल्ड मी दैट दी गियर बॉक्स नीड्स टू बी रिमूव्ड। सो आई डिडंट पे अटेंशन टू दैट एंड आई केप्ट ऑन ड्राइविंग लाइक यू नो 25,000-30,000 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट एक सेट मेरा टायर्स का वॉर्न आउट हो गया था जिस ड्यूरेशन में मेरा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ दैट वार्म गियर। बट बाद में मैंने सिर्फ सेंसर लेके, सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक बार सेंसर स्वैप किया तो इट स्टार्टेड वर्किंग। इट वॉज नॉट एक्चुअली द प्लास्टिक वार्म गियर रिंग दैट वॉज नॉट वर्किंग इन साइड दैट, तो इट वॉज वर्किंग फाइन एंड सिंस देन एवरी थिंग इज गुड। तो अभी मैं मनीष को एज यूजल ऑफिस पे ड्रॉप करने के बाद अपने रूम की तरफ वापस जा रहा हूँ। बाकी आज की वीडियो पे ऐसे कुछ खास बताने को नहीं है या फिर ऐसे कुछ खास बात करने को नहीं है, बट कुछ ट्रिप्स हैं जो हमने भी मारे हैं लीनिया के साथ, सो आई विल बी शेयरिंग दोज ट्रिप्स विद यू गाइज। तो इस वीडियो पे मैं ना थोड़ी सी क्लिप्स डाल दूंगा। आप लोगों ने मुंशारी का नाम डेफिनेटली सुना होगा, जो ट्रैवल करने के शौकीन है लोग उन्होंने पक्का सुना होगा मुंशारी का नाम। तो मुंशारी गया था मैं 31 दिसंबर लास्ट ईयर, तो वो वाली कुछ क्लिप्स डाल दूंगा। रास्ता बहुत सीनिक है, ऐसे मैंने कोई व्लॉग तो शूट नहीं किया था बट रास्ता जो है ना बहुत सीनिक है वहां का, तो कुछ वो क्लिप्स मैं डाल रहा हूँ और कुछ पिथौरागढ़ की क्लिप्स डाल दूंगा जस्ट सो दैट यू कैन एंजॉय वॉचिंग द वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग मच टू टॉक टूडे। बाकी आप वीडियोज देखो, इंजॉय करो, अगर आगे कुछ होता है तो आई कैन नॉट गारंटी, वो भी मैं डाल दूंगा क्लिप पे। तो अभी हम लोग ले रहे हैं हाईवे, दिस इज द जयपुर हाईवे, द इनफेमस जयपुर हाईवे। अभी इस हाईवे के बारे में ना पापा से सुनता हूँ। पापा एक्चुअली ब्लैक कैट कमांडो रह चुके हैं, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। सो वी वर लिविंग, जब मैं छोटा था एज अ चाइल्ड आई वॉज ग्रोन अप इन मानेसर, सो इट्स लाइक 24 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर। तो वहां पे पापा की ट्रेनिंग वगैरह होती थी ब्लैक कैट कमांडो की, तो हम फैमिली पूरी उधर ही पे थी। तो पापा उस टाइम पे बताते हैं, हम लोग, मेरे को तो याद नहीं है बिकॉज वी वर वेरी स्मॉल एंड वी एक्चुअली हैड एन एक्सीडेंट देयर एज वेल। इट वॉज अ स्कूटर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पूरी फैमिली थी जैसे पहले चलते थे ना। इट इज लाइक कब की बात होगी, 2002 or 2003 आई थिंक। तो हाईवे पे क्रैश हो गया था स्कूटर, उसमें मम्मी थी, मेरी दोनों बहनें और मैं। जो पुराना बोलते नहीं, एक 80s-90s टाइप का फील आता था, उस टाइप का सीन था ये। तो बहुत ही सुंदर रोड है यार, जयपुर हाईवे इज एक्सट्रीमली यू नो बहुत अच्छा है, स्पेशली गुड़गांव से जब तक आप एग्जिट नहीं लेते हो तब तक तो बहुत प्यारा हाईवे है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, सो ऑब्वियसली आई डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू ओवर स्पीड ऑन दी हाईवेज, नॉट जस्ट दी हाईवेज, एनीवेयर यू शुड नॉट ओवर स्पीड। बाकी देखते हैं, अगर खाली पैच मिलता है तो, अभी ओवर स्पीडिंग की बात कर रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ कि खाली पैच मिलता है तो देखेंगे गाड़ी भगा के। सो बस इसलिए देखेंगे कि थोड़ा सा, मतलब शॉर्ट बस बोलते हैं ना जो, सिर्फ वो करेंगे, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो कमेंट करके प्लीज आप लोग भी बताओ आप सब कैसे हैं। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन योर लाइफ, एवरीबडी इज सेफ, हार्ड टाइम्स गोइंग ऑन। मैं खुद बहुत बुरे वक्त से गुजर चुका हूँ अपने करियर के मामले में, तो आई कैन अंडरस्टैंड नॉट एवरीबडी वुड बी वेरी हैप्पी अबाउट देयर लाइफ, बट हे यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट योर लाइफ, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, एक ही लाइफ मिली है आपको, एंजॉय करना तो आना चाहिए उसे। तो देखो हाईवे ड्राइविंग भी सिखाते हैं, लिटरली NH8 वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज इन इंडिया एंड दे आर टीचिंग हाउ टू ड्राइव हियर। इट सीम्स लाइक देर आर सम अमेजिंग पीपल गोइंग टू बी ट्रेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, जस्ट किडिंग। सो देर इज अ सफारी, सफारी लुक्स डोप इजंट इट, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगती है सफारी।
guys, so now let's talk about Munshiari. Munshiari is literally a heaven for anybody who loves to drive, who loves adventures. बाकी आपने अगर विकास भैया के वीडियोस देखी हो ना, एक्सप्लोर दी अनसीन 2.0 पे जो डालते हैं मुनशारी की वीडियोस डाली हुई हैं उन्होंने, और एक दो यूट्यूबर्स ने और डाली हैं, बट दी मोस्ट रेलिवेंट वन दैट आई विल बी मेंशनिंग हियर आर विकास भैया, दैट इज ऑन एक्सप्लोर दी अनसीन 2.0. तो उन्होंने डाली है वीडियोस वगैरह अपनी एक्सयूवी में, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, सो आई एम अ बिग फैन गाइस. आप भी बताना अगर आप लोग देखते हो उनके वीडियोस वगैरह. तो वो गए थे मुनशारी, उन्होंने भी वीडियोस डाली, आपने उस पर रोड्स की कंडीशंस वगैरह देखी होंगी. उन्होंने लिटरली उसको स्पिति ऑफ उत्तराखंड भी बोल दिया था. बट आई बैक टू डिसअग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज इट इज नॉट स्पिति यार. स्पिति को आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो पिथौरागढ़ में एक और जगह है जिसे दारमा वैली बोलते हैं. दारमा वैली की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो एक अपना छोटा भाई है, उसके चैनल पे आप देख सकते हैं, मनीष शिपाल फिटनेस वेंडर, मनीष शिपाल करके उसके चैनल का नाम है. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो उसने भी बहुत मेहनत की है यार बंदे ने. तो ही हैज ट्रैवल टू ऑल दोज प्लेसेस बिकॉज इज अ नेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इन पिथौरागढ़, एंड that place is literally better than Spiti, better than Ladakh, you name it, whatever it is, you know, it's like the most beautiful place on earth. तो बात करें पिथौरागढ़ और मुनशारी की, तो पिथौरागढ़ एग्जैक्टली है कहाँ पे? पिथौरागढ़ गाइज उत्तराखंड में है. दिल्ली से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या गुड़गांव से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अप्रॉक्स 500 to 550-60 किलोमीटर के आसपास आपको पिथौरागढ़ पड़ने वाला है. एंड मुनशारी उसी पे एक तहसील है या फिर एक रीजन है बोल सकते हो आप. तो वहां पे आपको पहुंचने के लिए पहले पिथौरागढ़ जाना है, और ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप बागेश्वर से जा सकते हो. बट ट्रस्ट मी गाइस, द वे दैट गोज फ्रॉम द पिथौरागढ़ सिटी इज मच मोर सीनिक, यू विल रियली एंजॉय इट. और दूसरी चीज ये गाइस कि अगर आप मुनशारी जा रहे हो, जैसे मुनशारी जाने के लिए आपको प्रॉपर पहले एक इटिनरी प्लान करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक अ वन डे और टू डे ट्रिप लाइक यू डू फॉर मुनशारी और धनोल्टी अ वीकेंड ट्रिप, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज पिथौरागढ़ इज ऑलरेडी वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली. इट्स लाइक 550 किलोमीटर्स, देन एडिशनल 136-140 किलोमीटर अप्रॉक्स फ्रॉम पिथौरागढ़ सिटी इटसेल्फ, सो इट्स लाइक 700 किलोमीटर इन टोटल. तो 700 किलोमीटर का रोड ट्रिप आप वीकेंड पे तो नहीं मार सकते डेफिनेटली, अनलेस यू हैव अ सुपर कार और समथिंग ऑफ दैट शॉर्ट विद अ वेरी गुड ग्राउंड क्लियरेंस लाइक अ लैम्बोर्गिनी यूरस. तो तब तक तो आप बिल्कुल नहीं मार सकते, और अगर तब भी मार लेंगे तो गॉड नोज इट माइट बी रेनिंग देयर, और रोड्स तो ब्लॉक होते ही अच्छे खासे. रोड कंडीशन पे अगर मैं एक अपडेट दूं, तो पिथौरागढ़ की जो रोड कंडीशन है वो काफी अच्छी हो गई है. अगर आप लोग लेते हैं टनकपुर चंपावत वाला हाईवे, तो इट इज रियली गुड नाउ. अभी कुछ पैचेस हैं जहां पे लैंडस्लाइड हो गया था अक्टूबर पे, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो उत्तराखंड टुक अ हिट, अ लॉट ऑफ यू नो उत्तराखंड वाज डैमेज दैट टाइम, और द रोड्स इन उत्तराखंड वर डैमेज दैट टाइम. तो चार धाम हाईवे जो है ऊपर से काफी सारे रॉक फॉल्स हुए थे, लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए थे, इस वजह से थोड़ा बहुत कुछ पैचेज हैं जो डैमेज हैं. अदरवाइज टनकपुर टू पिथौरागढ़ कम्प्लीटली हिली रोड है, अच्छे खासे पहाड़ है, खाइयां हैं, खूबसूरती है, सब कुछ है, एंड इट इज टेकिंग लेस देन 4 hours फॉर द लोकल्स टू डू दैट पर्टिकुलर ट्रिप. अगर आप पहली बार जा रहे हैं, पहाड़ों से इतना फेमिलियर नहीं है, और आप एक सेफ ड्राइवर हैं सिंपली, तो आपको एट मैक्सिमम यू नो 5 hours फॉर 150 किलोमीटर, 5 hours फॉर 150 किलोमीटर इन माउंटेन्स, नाउ इज दैट अमेजिंग. क्योंकि इस रूट पे हम लोग बचपन से ट्रैवल करते हैं यार, तो एज लॉन्ग एज आई कैन यू नो रिमेम्बर, इट टेक्स मोर देन 7-8 hours फॉर दैट 150 किलोमीटर टू कम्प्लीट वेन द रोड वॉज नॉट इन दैट ग्रेट शेप. सो ऑब्वियसली इट टेक्स लेसर टाइम नाउ, एंड यू कैन इजिली मेंटेन अ स्पीड ऑफ लाइक 60-70 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप, एंड सम कैब वालाज आर इवन making their taxis reach Khatima from Pithoragarh in less than 3 hours, and they take a break as well in between, so that is something which is absolutely amazing considering it is a mountain. तो आप वहां से पहुंच जाएंगे, टनकपुर से आप पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर्स. दिल्ली से टनकपुर आई डू नॉट थिंक आई नीड टू मेंशन बिकॉज ऑल प्लेन्स और बाकी जीपीएस अच्छा खासा रास्ता दिखा देता है. उसके बाद आपको पिथौरागढ़ से क्या करना है, पिथौरागढ़ में एक दिन आप स्टे कीजिए, जो लोकल एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए. फॉर एग्जाम्पल वहां पे टेम्पल्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड, सो इट्स देवभूमि उत्तराखंड, सो वहां पे मंदिर हैं कुछ बहुत हाई अल्टीट्यूड्स पे,
और गाइस प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जा रहे हो तो मंदिर पे ऐसे मत जाओ कि इट्स अ पिकनिक स्पॉट, इट्स अ रोमांटिक स्पॉट और इट्स अ हनीमून स्पॉट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दैट इज समथिंग विच लोकल्स टेक वेरी सीरियसली, क्योंकि वहां पे आप जा रहे हो तो आपके मन में एक आस्था होना बहुत जरूरी है, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू आर फ्रॉम. क्योंकि मैं खुद चर्च जाता हूँ, मैं खुद दरगाह पे भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारों पे भी जाता हूँ, बट वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज इन माई माइंड इज, मैं अगर किसी रिलीजियस प्लेस में जा रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई रिलीजन और इरिस्पेक्टिव ऑफ मी बींग अ हिंदू, वहां की रिस्पेक्ट करना, वहां की कदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड भगवान एक ही है. सो इट डजेंट मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, यू विल नेवर बी स्टॉप टू एंटर अ टेम्पल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स. तो वहां पे टेम्पल्स हैं, जैसे कि ध्वज टेम्पल है, थलगेदार टेम्पल है, ऑल ऑफ देम आर सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2200 मीटर्स एंड अबव. तो यहाँ पे आप एक दिन स्टे कीजिए, घूमिए फिरिए, चंडाक है जैसे वहां पे, बहुत सारे और भी एरियाज हैं यार, आप सीनिक ब्यूटी से ही वहां पे यू विल जस्ट गो क्रेजी लुकिंग एट द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगले दिन आपको वहां से निकलना है, धारचूला वाला रूट पकड़ना है, रास्ते पे वो सेपरेट हो जाता है डीडीआर के अराउंड, सो यू हैव टू टेक द मुनस्यारी रूट. वंस यू आर इन द मुनस्यारी रूट, यू जस्ट नीड टू फॉलो द रोड, देर आर नो डाइवर्जेंस. सो मुनस्यारी वाले रूट पे आपको चलते रहना है, 136 किलोमीटर के बाद आपकी मंजिल आ जाएगी मुनस्यारी. एंड गाइस ट्रस्ट मी, यू विल बी ग्रीटेड बाय द मैसिव पंचाचूली पीक्स देयर एज सून एज यू रीच मुनस्यारी. पंचाचूली पीक्स विल बी वेलकमिंग यू एंड ट्रस्ट मी, दे लुक सो मैसिव, दैट्स आई बिलीव लाइक 7900 मीटर्स पीक और 6900 समथिंग मीटर्स इन एलिवेशन. सो दैट पीक इज लाइक इट इज स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग यू ऑन योर फेस, इट लुक सो मैसिव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. मेरे पास शायद वीडियो नहीं है क्योंकि उस दिन ना थोड़ा फॉगी हो गया था माहौल, अगर फॉग लगा है तो आप देख नहीं पाओगे पीक, बट मुनस्यारी इज लिटरली अ ट्रैवलर्स हेवन. आप वहां पे पहुंच जाओगे एक बार तो यू वोंट फील लाइक कमिंग बैक फॉर मेनी डेज. बाकी वहां पे ट्रैक्स वगैरह भी हैं, वहां आपको एटलीस्ट 3 to 4 days गुजारने चाहिए. खलिया टॉप का ट्रैक होता है और पंचाचूली बेस कैंप, वहां पे आप जा सकते हैं. There are many other things as well that locals will advise you to do. और अगर आप एक कैंपर हो, आप अपना टेंट लगाना पसंद करते हो, तो आई वुड एडवाइस कि आप एक बार लोकल्स की एडवाइस जरूर ले लें, क्योंकि पहाड़ों पे स्पेशली पिथौरागढ़ के किसी भी रीजन पे ना तेंदुओं का कहर बहुत ज्यादा है. तो जो तेंदुए हैं ये कभी भी अटैक कर सकते हैं, ऑब्वियसली इट इज देयर इंस्टिंक्ट टू बी अ प्रेडेटर, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत इनसे है. बाकी जगह बहुत खूबसूरत है, आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली जाइए. क्लिप्स में आप देख ही रहे हो कितनी खूबसूरत रोड्स हैं, कितनी खूबसूरत जगह है, एंड यू विल रियली एंजॉय योर स्टे देयर गाइस. बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट है, मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, एंड आई विल डेफिनेटली गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू गाइज इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी द होस्ट इफ यू आर विजिटिंग माई होम टाउन, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइज एज वेल. तो देखते हैं, कभी मीटअप तो करेंगे, अभी तो जस्ट शुरू किया है चैनल. इवन इफ द चैनल डजंट ग्रो, आई लव मीटिंग पीपल, सो वी कैन डेफिनेटली मीट. इवन इफ यू डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव एनी मोटरसाइकिल ऑफ एनी सॉर्ट, वी कैन स्टिल मीट अप, हैव अ कप ऑफ चाय एंड एंजॉय, राइट? तो जीनी यार, लाइफ ही तो जीनी, हम कर क्या रहे हैं बाकी यहाँ पे. तो ओके गाइज, इस व्लॉग के लिए तो इतना ही था, बाकी कंटेंट थोड़ा बहुत अभी आएगा अगले महीने, गाड़ियों से रिलेटेड भी, ट्रैवल से रिलेटेड भी. So I would suggest you to stay tuned, and if you like the content, please hit the like button and subscribe to the channel. And thank you so much for giving your time, guys. I really appreciate it. Thank you very much.